जय हिंद दोस्तों तो देखो फ्रेंड्स आज यहाँ पर हम बातचीत करने वाले क्रिप्टो मार्केट का नेक्स्ट बुल रन काफी सारे क्वेश्चन थे हमारे पास कि सर ऐसा कोई लॉजिक बताओ कि क्यों नेक्स्ट बुल रन आठ महीने के बाद स्टार्ट हो सकता है तो देखो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या ऐसा देखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ आप खुद इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि बिटकॉइन का हालविंग नेक्स्ट यहाँ पर हालविंग 2024 के अंदर है जैसे कि यहाँ पर डेट देखो यहाँ पर मैंने काफ़ी वेबसाइट के अंदर देखा 4 मार्च 2024। मेरे हिसाब से प्रीवियस वीडियो में हमने कोई गलत डेट आपको बताया था माफी चाहता हूँ यहाँ पर फाइनल है 4 मार्च 2024 के अंदर मतलब वही दिन यहाँ पर बिटकॉइन का हालविंग है अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस हालविंग के टाइम बिटकॉइन ने कैसे रिएक्ट किया था बॉटम पे था या ऊपर था क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो हिस्ट्री बार बार रिपीट करता है तो हिस्ट्री में क्या देखेंगे तो देखेंगे हालविंग तो यहाँ पर इसके पहले देखो मैं हालविंग के बारे में बात करूंगा तो हालविंग 2012 के अंदर पहला हालविंग हुआ था वहां पर रिवार्ड के रूप में 25 बिटकॉइन दिया जाता था उसके बाद यहाँ पर 2016 के अंदर हालविंग हुआ था सेकंड हालविंग तो यहाँ पर माइनर माइनर को यहाँ पर रिवार्ड मिला था 12.5 पॉइंट फाइव मतलब यहाँ पर रिवार्ड कम हुआ पहले से आधा 2012 के अंदर 25 बिटकॉइन दिया उसी को यहाँ पर 2016 के अंदर 12.5 दिया मतलब यहाँ पर सप्लाई कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस बढ़ जाएगी फिर यहाँ पर 2020 के अंदर तीसरा हॉलविंग हुआ वहाँ पर रिवार्ड के रूप में 6.25 पॉइंट ट्वेंटी दिया मतलब इससे भी आधा इसलिए बिटकॉइन की डिमांड और बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड ही कम मिल रहा है बार बार यहाँ पर हालविंग होता है तो रिवार्ड काफ़ी कम हो जाता है तो तकरीबन देखा जाए कब तक यहाँ पर सप्लाई कम आ, मतलब कंप्लीट होगी बिटकॉइन की 2140 का जो साल होगा अभी तो यहाँ पर 2022 चल रहा है मैं आपको कैलकुलेशन दूँ कितने साल और लगेंगे बिटकॉइन को माइनिंग होते होते कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं 2140 लास्ट हालविंग होगा और अभी यहाँ पर चल रहा है 2022 तो तकरीबन अभी 118 साल लगेंगे बिटकॉइन का माइनिंग होते होते क्योंकि जैसे जैसे चार सालों के बाद और हालविंग होगा तो और रिवार्ड आधा हो जाएगा उसके बाद और होगा तो और रिवार्ड आधा हो जाएगा लास्ट में तो बहुत कम रिवार्ड मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो में रिवार्ड भी मिलेगा लास्ट टाइम में एक सौ अठारह साल लगेंगे तो ये मान के चलो बिटकॉइन की सप्लाई तो लिमिटेड है ट्वेंटी वन मिलियन इसकी सप्लाई है और यहाँ पर अभी मार्केट में बताऊँगा कितनी सप्लाई आ चुकी है तो देखो वन करोड़ नाइन्टी वन लेख टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ चुके हैं मतलब नाइन्टी परसेंट जितने बिटकॉइन सर्कुलेट में आ चुके हैं अब जो टेन परसेंट बचे उसको एक सौ अठारह साल लगेंगे शक्तोषी नाका ने पहले से यहाँ पर प्लानिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया है बिटकॉइन को बनाया है इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को पसंद करते अब आप खुद सोचो कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में दस करोड़ रुपए भी जा सकता है अब यहाँ पर देखते भाई लॉजिक भी देखना है ये तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि अभी 118 साल और लगेंगे बिटकॉइन माइनिंग होने के लिए तो फिलहाल यहाँ पर 2024 के अंदर 4 मार्च 2024 के दिन यहाँ पर हालविंग होगा वहां पर बिटकॉइन पहले 2020 में कितना मिला था रिवार्ड में 6.25 अब यहाँ पर इससे आधा मिलेगा 3.12 मतलब सप्लाई कम हुई जिसकी भी सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि माइनर को अब यहाँ पर बिटकॉइन मिलेगा थ्री मतलब काफ़ी कम तो यहां पर बिटकॉइन का प्राइस अपने ओल्टेम हाई से डबल होना चाहिए क्योंकि रिवार्ड आधा हुआ तो प्राइस डबल होना चाहिए तो बिटकॉइन का प्राइस लास्ट में कितना गया था तो मैं इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर देता हूँ लास्ट में गया था सिक्सटी थाउजेंड डॉलर मान के चलो तो अगली बार बिटकॉइन का प्राइस हालविंग के बाद एक लाख डॉलर से ज़्यादा जाना चाहिए ये हो जाता है हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री रिपीट करता है तो फाइनल एक लाख डॉलर को पार करना चाहिए एक लाख के बाद डेढ़ लाख डॉलर तक जाना चाहिए ये पक्का है अब यहां पर हम देखेंगे कि के बाद ही क्यों कहा तो पहले मतलब 2016 का हालविंग का प्राइस यहां पर था अब प्रीवियस टॉप के अराउंड अराउंड आ गया था देखो ये था प्रीवियस टॉप 2013 का बारह तेरह का टॉप था इसके अराउंड अराउंड प्राइस आ गया था जब हालविंग हुआ था मतलब बोल रन कब स्टार्ट हो गया था हालविंग से कितने महीने पहले ये मंथली चार्ट मैंने लिया है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस महीने पहले समझ दस महीने पहले समझो उसके बाद देखो यहाँ पर बिटकॉइन में एक अच्छा खासा सलांग गया एक नया टॉप मारा मतलब देखो भाई बुल रन तो यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था मतलब ये था बॉटम हालविंग के टाइम बिटकॉइन का प्राइस बॉटम पे नहीं था ये था पहला हालविंग उसके बाद सेकंड हालविंग हुआ तकरीबन देखो ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर अभी हालविंग के टाइम भी बिटकॉइन का प्राइस ए एरिया में था मतलब इसका प्रीवियस टॉप देखो इसके अराउंड अराउंड ही आ गया था यहाँ पर भी बॉटम पे नहीं था तकरीबन ये मान के चलो 10 से 12 महीने पहले से यहाँ पर ये बोल रन स्टार्ट हो गया था इसको हम बोल रन ही कह सकते हैं तो यहाँ पर भी देखो तकरीबन ए एरिया के अंदर हालविंग होने वाला है मर, मतलब मार्च महीने के अंदर मार्च महीना ये देखो ए रहा एक मार्च 2024 ये एरिया में यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आ जाना चाहिए ये मान के चलो पैंतीस हजार डॉलर से लेके पचास हजार डॉलर के बीच में ए एरिया में बिटकॉइन आ जाएगा तो ये मान के चलो दस महीने प्रीवियस चले जाते हैं दस महीने प्रीवियस चले जाते हैं। ये मार्च मतलब तीन महीना ए हो गया सात महीना और यहाँ पर निकाल देते मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून 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 महीने के अंदर यहाँ पर देखो 2023 जून महीने के अंदर ए एरिया के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए इसलिए हमने ये बॉक्स बनाया कि ये बाइंग जोन है अब बार बार हिस्ट्री रिपीट किया है तो इस बार भी रिप, हिस्ट्री रिपीट हो जाना चाहिए ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस और हालविंग भी देखो भाई रिवार्ड आधा मिल रहा है तो सीधी सी बात है बोल रन आना चाहिए और बार बार आया है और अभी तो सिक्सटी फोर हालविंग बाकी है ये तो तीसरा हालविंग है यहाँ पर देखो सिक्सटी हार्विंग जो होगा वो लास्ट हार्विंग होगा बिटकॉइन का मतलब यहाँ पर अभी 118 साल तक यहाँ पर माइनिंग होगा तब तक यहाँ पर 21 मिलियन बिटकॉइन कंप्लीट नहीं होने वाले हैं ये पहले से तय है क्योंकि बार बार यहाँ पर चार सालों के बाद रिवार्ड आधा 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 हो जाएगा तो माइनिंग करने में काफ़ी तकलीफ होगा और सर्कुलेट सप्लाई उतनी नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी तो हर बार हर बार देखा जाए तो प्राइस डबल डबल होता चलेगा तो अब बुलरन के बारे में आप समझ सकते हो और यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे यू की तरफ से अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बात करूँगा यू के बारे में यू के यू अभी रिसेशन के अंदर है लोगों को लग रहा है कि जब तक यूएसए बाहर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं रहेगा तो देखो भाई ऐसा नहीं कि यू पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहिए धीरे धीरे इसके आंकड़े तीन चार पाँच छः सात आठ महीनों के बाद इसके आंकड़े थोड़े बहुत ठीक होना स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर बिटकॉइन के आंकड़े धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये भी लॉजिक मैच होता है आठ महीने के बाद काफी सुधार होगा यूएसए के अंदर तो हमें तो आठ महीने के बाद बुल रन स्टार्ट करना है वो भी मैच करता है और ऐसा कोई इवेंट आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ऑटोमेटिकली बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा क्योंकि अभी गिराने के लिए कैसे कैसे इवेंट आ रहे ब्लैक स्वान इवेंट हम बोल रहे तो वहां पर भी आएगा ब्लैक स्वान इवेंट दोनों तरफ काम करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो ये बात भी याद रखो अभी भी यहां पर फेड का एफओ का मीटिंग बीस इक्कीस सेप्टेंबर उसके बाद एक दो नवंबर तेरह चौदह दिसंबर थर्टी फर्स्ट जनवरी एंड फर्स्ट फरवरी दो हज़ार तेईस के अंदर भी इसका मीटिंग का डेट यहाँ पर पब्लिश किया गया है तो इतने में तो यहाँ पर देखो भाई फेड काफ़ी सुधार कर लेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है वो काफ़ी बढ़ा देगा यहाँ पर इन्फ्लेशन एंड रिज्लेषण से काफ़ी बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद यूएसए की तरफ से भी पॉजिटिव आंकड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कोई ऐसी और इवेंट होगी एलोन मस्क कूद सकता है मार्केट के अंदर वो भी यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर ट्वीट वगैरह कर सकता है तो देखो भाई ये था मेरा लॉजिक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कोई डाउट है तो बता दो गुड बाय